स्पेशल रिपोर्ट में सौ प्रथम बात करिए गुजरात में कोरोना ने कारण थई रहेली बदतर हालत अंगे हाईकोर्टे सरकार नो उधड़ो लीधो छे अने मंत्रीओ तथा अधिकारीओ नी झाटकणी पण काढी नाखी छे। हाईकोर्टे गुजरात ने सरकार ने खूब ज संभळाव्यु छे। कोर्ट परिसर में रीतसर सरकार नी आबरू नू धोवाण थयु छे। पूरती किट होवा छतां पण ओछा टेस्ट थवा अंगे पण सरकार लपेटामां आवी छे त्यारे कोर्टे शुं कह्युं जोईए आ खास रिपोर्ट में। कोरोना सामेनी लड़त में गुजरात देश में सौथी नबळू साबित थयुं छे। राज्यनो मृत्यु दर देश में अन्य तमाम राज्यों करता वधारे छे। एटले के गुजरात में कोरोना वायरसना कारणे दर 100 दर्दीओमांथी मृत्यु पामता दर्दीओनी संख्या सौथी वधारे छे। गुजरात में दर्दीओने बचाववामां सरकारी तंत्र निष्फळ निवड्युं छे त्यारे सरकारने हवे हाईकोर्टे पण फटकार लगावी छे। गुजरात में कोरोना ना कारणे थई रहेली बदतर हालत अंगे हाईकोर्टे सरकार नो उधड़ो लीधो अने मंत्रीओ तथा अधिकारीओनी झाटकणी काढी नाखी। कोर्टे अमदावाद सिविल होस्पिटल नी तुलना काल कोठड़ी साथे करी दीधी। कोर्टे रूपाणी सरकार ने वखोड़ता कहूं के सरकार नकली रीते कोरोना ने नियंत्रण में राखवा मांगे छे। कोरोना अंगे थयेली जाहिर हितनी अरजी अने कोर्टनी सुओमोटो अरजी पर सुनावणी दरमियान न्यायमूर्ति जेबी पारडीवाला अने न्यायमूर्ति इलेश वोरानी खंडपीठे गुजरात सरकार ने रीतसर आड़े हाथ लीधी। कोर्टे गुजरातनी आरोग्य सेवानी तुलना डूबता टाइटेनिक जहाज साथे करी। कोर्टे कहूं के आ खूब ज दुखद बात छे के आजनी स्थिति में अमदावादनी सिविल होस्पिटलनी स्थिति खूब दयनीय छे। होस्पिटल दर्दीओना इलाज माटे होय छे परंतु एवं लागे छे के आजनी तारीख में ते काल कोठड़ी छे, कदाच तेना करता पण बदतर छे। शुं मुख्य सचिव अनिल मुकिम, आरोग्य अग्र सचिव जयंती रवि अने आरोग्य मंत्री नितिन पटेल ने खबर पण छे के राज्य में स्वास्थ्य सेवाओनी शुं हालत छे। दर्दीओना वधी रहेला मृत्युनु कारण वेंटिलेटरनी कमी गणावता हाईकोर्टे कह्युं के शुं राज्य सरकार ने कड़वा सत्यनी जाणकारी छे के पूरता प्रमाणमां वेंटिलेटर न होवाना कारणे मोटी संख्यामां कोरोना संक्रमित दर्दीओना मृत्यु थई रह्या छे। सरकार तात्कालिक आदेश करे के मल्टी स्पेशियालिटी होस्पिटल अने खानगी तथा कोर्पोरेट होस्पिटलमां अर्धा बेड कोरोनाना दर्दीओ माटे फाळवे। अदालते राज्य सरकार ने फटकार लगावता कह्युं के सरकार कृत्रिम रीते कोरोना संक्रमण ने नियंत्रित करवा मांगे छे। सरकार जाणी जोईने कोरोनाना ओछा केस देखाड़वा माटे पूरता टेस्ट नथी करती जेथी वधु केस सामे न आवे। सरकारनो ए तर्क छे के वधारे टेस्ट थवाथी 70% करता पण वधु वस्ती कोरोनानी झपेटमां आवशे अने जेनाथी लोकोमां भय फैलाशे। आ तर्कना आधारे कोरोनानुं टेस्टिंग ओछू न करी शकाय। गुजरात हाईकोर्टे सरकार ने फटकार लगाव्या बाद विपक्षे पण सरकारनी झाटकणी काढी हती કે ગુજરાતમાં જે કોરોનાના કારણે પરિસ્થિતિ પેદા થઈ છે એમાં સરકાર સંપૂર્ણ બેદરકારી અને નિષ્કાળજીથી કામ કરી રહી છે જેના કેટલાક ચોંકાવનારા મુદ્દાઓ તરફ નામદાર હાઈકોર્ટે આજે ફટકાર પણ લગાવી છે, કેટલીક ડાયરેક્શન્સ પણ આપી છે અને કેટલીક બાબતો અંગે સૂચનો પણ કર્યા છે। નામદાર હાઈકોર્ટનો બહુ વ્યાજબી સવાલ થયો છે કે જે આટલી ગંભીર પરિસ્થિતિ છે ત્યારે सरकार में बैठेला मंत्रीओ, आरोग्य विभाग ना मंत्री अने जे चूंटायेलू प्रतिनिधि छे सरकार में केटली वखत आप गया सिविल हॉस्पिटल में डॉक्टर साथे शुं डायलॉग कर्यो, तमे दर्दीओ की परिस्थिति शुं निहाळी। बीजो सवाल कर्यो छे के जे आरोग्य विभाग ना मुखिया छे एमणे केटली वखत त्यां जईने स्थानिक परिस्थिति जे छे अत्यंत खराब छे एना विशेनी चिंता करी छे। सीनियर अधिकारीओनी आखी टीम मुकाया पछी पण जे कंडीशन सिविल हॉस्पिटलनी पेथेटिक एटले के दयाजनक परिस्थिति छे नामदार हाईकोर्टे नोंधवुं पड्युं छे। तो हाईकोर्टनी फटकार अने विपक्षना आक्षेप बाद नायब मुख्यमंत्री नितिन पटेले सरकार तरफथी पोतानो पक्ष राख्यो हतो अने कंईक आवुं कह्युं हतुं। खानगी डॉक्टरो अमारी आरोग्य विभागनी अमदावादनी हॉस्पिटलो એટલે કે સિવિલ હોસ્પિટલ, યુએન મહેતા હાર્ટ હોસ્પિટલ, કિડની હોસ્પિટલ,
કેન્સર હોસ્પિટલ વગેરેના અમારા સુપરિન્ટેન્ડન્ટ સિનિયર ડોક્ટરો સાથે અન્ય ફેકલ્ટીના ડોક્ટરો સાથે પ્રોફેસરો સાથે ત્રણ વખત મેં રૂબરૂમાં સિવિલ હોસ્પિટલમાં જ કેમ્પસમાં જ મિટિંગો કરી છે. હાલ તો સરકારની કામગીરી અંગે હાઈકોર્ટે પણ મોટી ફટકાર લગાવી છે. ત્યારે આગામી સમયમાં ખબર પડશે કે સરકાર સ્થિતિને કાબૂમાં કરવા માટે શું પગલાં લે છે. કારણ કે અનેક કેસ એવા સામે આવ્યા છે જેમાં તંત્રની બેદરકારી જોવા મળી છે. અમદાવાદમાં એક મહિલાને કોરોના રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવ્યા બાદ પણ ટાર્ગેટ પૂરો કરવા માટે તેને બીજા દિવસે ડિસ્ચાર્જ કરી દેવામાં આવી હોવાની ઘટના સામે આવી હતી. એવામાં હવે સરકાર શાખ બચાવવા માટે ટેસ્ટ ઘટાડે છે કે પછી રાજ્યને કોરોનાથી બચાવવા માટે વધુ ટેસ્ટ કરે છે તે જોવું રહ્યું. યાજ્ઞિક થેસિયા સાથે બ્યુરો રિપોર્ટ, વીટીવી ન્યૂઝ.